लेते हैं। आपने राजनेताओं में किसको राजनेता मानते हैं? लालू यादव जी को मानते होंगे, मुलायम सिंह यादव जी को मानते होंगे, उनके बेटे, पुत्र, सुपुत्र, आप लोग जानते हैं। अभी आप कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं, आपने तो कई बार वीडियो में देखा होगा कि कृष्ण का भेष बदल के कृष्ण की तरह बातें करते हैं और अपने आप को कृष्ण मानते हैं इस कलयुग में। उधर लालू यादव ने अपने आप को मंत्री कहीं बता देते हैं, कभी मंत्री कहते हैं कि मेरी मुहूर्त निकलते हैं मैं मंत्री बन जाऊंगा, शुभकामना है, पहले ही से मंत्री विरासत पे बैठे हुए हैं। अब इनको देख लीजिए, पियर का चाचा के लड़के को, अपने आप को बहुत कुछ बताते हैं लेकिन हकीकत क्या है आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। ये भी अपने आप को कृष्ण, कहाँ भैया कम है। सतयुग बीत गया लेकिन सतयुग की कहानी अब तक चलती आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ कुछ राजनीतिक नेताओं की, हम नेता कहें या क्या कहें लेकिन नेता ही अपने आप को मानते हैं। अब आपको लगता होगा कि मैं किसकी बात करने लगा, हालांकि अचानक इस तरह से बात करना आप लोग को हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हजम नहीं होता होगा, लेकिन हजम की एक दवा खा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे ही आप हजम की दवा खाएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, सारी सच्चाई एक एक करके खुलती आएगी और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप लोग जानते हैं सुबह लाइव आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप वीडियो बनाइए, कुछ चीज़ें थी जिसको मैं समझता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग हमारे लिए प्रिय हैं, प्रिय थे, प्रिय हैं और प्रिय रहेंगे। चलिए राजनेताओं की बात कर लेते हैं। आपने राजनेताओं में किसको राजनेता मानते हैं? लालू यादव जी को मानते होंगे, मुलायम सिंह यादव जी को मानते होंगे, योगी बाबा को मानते होंगे और SSB प्रधानमंत्री जी को मानते होंगे, तरह तरह के कुछ और लोग हैं, ऐसे राजनेता हैं। लेकिन राजनेताओं के मैं जब कृष्ण वाली जो बात कही, ये सतयुग वाली बात आज कलयुग में चल रहा है। चलिए अब उस कृष्ण को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि सतयुग वाले कृष्ण इस कलयुग में चल रहे हैं। जानते हैं क्या है, कुछ राजनेताओं के बेटे, पुत्र, सुपुत्र, आप लोग जानते हैं। अभी आप कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, होगा, कभी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। कहिए तो अब मैं बता दूं कि कितनी सत्यता है, अब वीडियो में आप देखिए कि कितनी सत्यता है। आपने सुना होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब गरीब का भी बेटा राजा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण की अगर बात कर लिया तो कृष्ण, अब पहले आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी अपने आप को कृष्ण समझते थे। आपने तो कई बार वीडियो में देखा होगा कि कृष्ण का भेष बदल के कृष्ण की तरह बातें करते हैं और अपने आप को कृष्ण मानते हैं इस कलयुग में। उधर लालू यादव जी के वही कॉमेडियन कलाकार कह लीजिए, कॉमेडियन नेता कह लीजिए, कॉमेडियन राजनेता कह लीजिए, उनके एक कॉमेडी बेटा भी है, उनका नाम आप लोग तेज प्रताप यादव जी उर्फ तेजू भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो भी अपने आप को बताते हैं कृष्ण के, कभी अवतार कहेंगे तो कभी खुद कहेंगे मैं कलयुग का कृष्ण हूँ। इधर आपने फिर होगा एक पियर का चाचा है, पियर का चाचा को आप लोग जानते होंगे, संबोधित करना थोड़ा सा अनबन सा लगता होगा लेकिन इस अनबन को आप लोग ने ही नारा दिया है और आप लोग ने ही बताया है। मैं बात कर रहा हूं सूबे के मंत्री बनने वाले हैं, सूबे कह लें या क्या कहें समझ में नहीं, अपने आप को मंत्री कहीं बता देते हैं, कभी मंत्री कहते हैं कि मेरी मुहूर्त निकलते हैं मैं मंत्री बन जाऊंगा, शुभकामना है, पहले ही से मंत्री बने या ना बने। लेकिन उनके एक पुत्र हैं, वो भी अपने आप को कृष्ण बता देते हैं कि मैं भी कृष्ण हूँ। अब आप इन तीनों चारों में से किसको कृष्ण मानते हैं कमेंट करके बताइएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं बात कर रहा था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, तो आप एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक सुर्खियों में चल रहा है, जानते हैं क्या, मायावती ने अपने उत्तराधिकारी किसको बनाया, आकाश आनंद जी को, बहुत काफ़ी होड़ लगा हुआ है, कभी लोग जो जान देते थे पार्टी के लिए, कुछ चहेते ऐसे भी हैं जो क्या होता है कि उनके लिए खून पसीना एक कर दिया, पूरा बुढ़ापा बीत गया, लेकिन विधायक, MLA, प्रधान, चाहे जो भी पार्टी का सपना था कुछ नहीं बन पाए, वो लास्ट में गरीब के गरीब ही रह गए। कहा जाता है ना कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों ने आके लॉलीपॉप दे दिया कि नहीं, अब राज क्या होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब वो बनेगा, जब भी बनेगा गरीब का भी बेटा राजा बनेगा। कुछ लोग बने भी लेकिन अपनी काबिलियत से, लेकिन कुछ विरासत में पाए हुए कुछ
किसको कह दिया जाए? आप लोग सभी लोग जानते हैं जितने कृष्ण बने हैं और कलयुग वाले कृष्ण सब विरासत में पाए हुए कृष्ण हैं और ये अपने आप को कृष्ण बनाते हैं सतयुग वाला। और विरासत ना होती बाप ना होता, चाहे देख लीजिए लालू यादव को उठा के देख लीजिए, उनका बेटा आज विरासत पे बैठा हुआ। श्री अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, वो भी माननीय मुलायम सिंह के क्या होता है कि विरासत पे बैठे हुए हैं। अब इनको देख लीजिए पियर का चाचा के लड़के को, अपने आप को बहुत कुछ बताते हैं लेकिन हकीकत क्या है आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। ये भी अपने आप को कृष्ण कहाँ भैया कम है, ये कुछ कह देंगे कि तनके में कह दें कि राजभरों को छूट दे दीजिए, पूरा बॉर्डर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब अब तरह तरह की बात जो कुछ कहना नहीं होता है वो कह लेते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, एक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये सत्य है कि नहीं सत्य है, गलत है कितना, ये कमेंट करके बताइएगा। मेरी बातों में क्या कहीं कमियाँ दिखाई दे रही है क्या? आज जिस तरह से मायावती, सुश्री मायावती जी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया है, अपने घर में ही उत्तराधिकारी बनाया है, ये क्या राजा का बेटा राजा नहीं है? अखिलेश जी को देख लीजिए, और मंत्री बनने के लिए नहीं, अपने आप अपने बेटा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगे हुए हैं। तो ये राजा का बेटा ही राजा बन रहा है ना। हम मूर्ख हैं जो डंडा झंडा लेके दौड़ते हैं, कब हम समझेंगे? ये आप लोग को समझना होगा, कब तक हम डंडा झंडा लेके सर फुड़वाते रहेंगे, लाठियाँ खाते रहेंगे और चट्टी चौराहे पे गालियाँ खाते रहेंगे और अपने में भिड़ते रहेंगे। समझिए दोस्तों, मेरा कहने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोग कब समझेंगे ऐसे कलयुग के कृष्ण से, कब बच पाएंगे ऐसे लोग जो जुमलेबाज कहते हैं अपने आप को, कब बच पाएंगे? मैं आज सिर्फ पब्लिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पब्लिक हूँ और मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है कि बेटा तुम वीडियो अब नहीं बनाओगे जाकर, अगर वीडियो बनाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा तरह तरह। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन हाँ, वीडियो बनाना छोड़ूंगा भी नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, सहयोग करिए मेरा, मैं निश्चित कुछ अलग और इन लोग का खंडन खंडन करके मैं दिखाता रहूँगा कि ये लोग जो कहते हैं जाते हैं समाज में कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ और हम और आप साइकिल से आते हैं अमीर का बेटा दिखने लगते हैं और हम अमीर होके उनको अमीर बनाने में इतना अमीर बना देते हैं कि अपने ही क्या होता है कि सपनों को रौंद देते हैं हम लोग। और ये लोग आते हैं फॉर्च्यूनर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं और आके कहते हैं भाइयों बहनों माताओं मैं तो आपका बेटा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, आप लोग नहीं मेरा सहारा बनेंगे तो कौन बनेगा? आप एक चीज़ आप समझ लीजिए, आज निश्चित मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आज से नहीं सतयुग से नहीं, जब से धरती बना है सब लोग अपने को ही बनाने में लगे। कोई एक एक बता दीजिए, एक अपने परिवार का उदाहरण आप ले लीजिए, एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा ही हमसे आगे जाए और कोई नहीं जाए, वो का अभी कभी कि अपने रिश्तेदार को चाहता है क्या कि आगे जाए? यही कहानी इन राजनेताओं की है दोस्तों। हम कब खुलेंगे, कब आगे बढ़ेंगे? सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए हम बने हैं, कैसे होगा? मैं खास तौर से पूर्वांचल के लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग फोटो सिर्फ खिंचवाएंगे, किसी के साथ फोटो मत खिंचवाइए और अपने आप को अपने मौलिक अधिकार को समझिए। नहीं समझेंगे तो ऐसे ही अपने सपनों को हम रौंदना पड़ेगा और रौंद कर ये लोग आगे निकलेंगे और आप ऐसे ही ताकते रहेंगे कि हमारा भी बेटा कल राजनेता बनेगा, हमारा भी बेटा कल क्या होता है कि राजा बनेगा। तो बेटा हमारा मजदूर था है और रहेगा। जियो का आपने देखा होगा, जब से जियो आया बेटा जियो, जियो का आपने देखा कंपनी फ्री दिया, लगता था कि बहुत कुछ होगा। जियो का हाल आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें जियो करते करते जियो का आप देख लीजिए, क्या नहीं जियो का, जियो का शर्ट, जियो का पैंट, जियो का सिम, जियो का मोबाइल, जियो का क्या होता है कि टंकी खुल गई है और जियो, जियो का मतलब एक ही था कि बेटा तुम्हें जीना है बस। आप देख लीजिए 5 किलो और राशन पे बढ़ोतरी किया जा रहा है कि सिर्फ राशन खाओ और जियो। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और आप हमको और आपको सिर्फ जीने का अधिकार है और कुछ करने का अधिकार नहीं है। ऐसे राजनेताओं से हम कब बचेंगे ये आप फैसला करेंगे। और ये आज का वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए है, मैं किसी राजनेता की बात जिस तरह से मैं इन लोग के उदाहरण देके इसलिए किया कि आपकी आंखों की पट्टी जो बंधी हुई है वो खुल जाए। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियो में जो भी त्रुटियां हो क्षमा चाहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।